सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। तेरह अक्टूबर को पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बहरा गांव निवासी जवाहर चौधरी अपने बेटे राजमुनि चौधरी का गुमशुदगी का मामला चैनपुर थाने में दर्ज कराया था। उसी दिन शाम को उसके बेटे राजमुनि चौधरी का शव गढ़वा जिला अंतर्गत अंगराज नदी के किनारे पाया गया। दरअसल मृतक राजमुनि चौधरी की दूसरी शादी पूनम चौधरी से एक वर्ष पहले हुई थी। मृतक राजमुनि चौधरी के घर पर नहीं रहने के कारण उसकी पत्नी पूनम चौधरी की दोस्ती गांव के ही अरुण चौधरी व सुरेंद्र चौधरी से हो गई। इस बीच मृतक राजमुनि चौधरी की दूसरी पत्नी पूनम चौधरी अरुण चौधरी से दूसरी शादी करना चाहती थी। यही वजह है कि पूनम अपने प्रेमी अरुण व सुरेंद्र चौधरी के साथ मिलकर अपने पति राजमुनि चौधरी की हत्या की साजिश रच डाली। वह मछली मारने के बहाने अंगराज डैम नदी पहुंच लाठी व डंडे से वार कर पूनम अपने पति की हत्या अपने प्रेमी व उसके दोस्त के सहारे मिलकर कर डाली। फिलहाल पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रेस वार्ता कर एसडीपीओ संदीप गुप्ता ने कहा कि घटना में शामिल अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। चैनपुर थाना क्षेत्र और हमारा जो निकटवर्ती जिला है गढ़वा, वहाँ के बॉर्डर पे एक हम लोगों को एक व्यक्ति का डेड बॉडी प्राप्त हुआ था और देखने से लगा था कि इसकी हत्या कर दी गई है और यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को कब्जे को लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया और जब लगातार अनुसंधान किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी ने मिल करके की थी डंडे से मार करके। अभी हम लोग दोनों को गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो कि अभी फरार है। तीन लोग मिलकर के इस घटना को अंजाम दिए थे और दोनों जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं।